अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव दौर खत्म हुआ कि नगर पालिका परिषद सिसवा में चुनाव आज हो रहा है। हम असलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूपी अब तक। सिसवा नगर पालिका परिषद का चुनाव उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर हो रहा है। अध्यक्ष पद और सभासद पद का आज मतदान हो रहा है और पूरे नगर पालिका क्षेत्र में 29 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ 63 बूथ हैं वहाँ मतदान चल रहा है। सुबह से ही मतदान शुरू है। हम एक ऐसे मतदान केंद्र पहुंचे जो बीजापार क्षेत्र पड़ता है, आरपीआईसी स्कूल। पहली बार ये मतदान केंद्र बना है, लेकिन सजावट पूरे नगर पालिका क्षेत्र में जो मतदान केंद्र जो बूथ बने हैं सबसे अलग है। यहाँ तमाम सजावट हुई है, जागरूकता के लिए भी है, स्लोगन लिखा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरामैन से कहें वो अंदर चले, थोड़ा दिखाएं किस तरीके से फूलों से गेट पे ही स्वागत हो रहा है, सजावट है। सुबह से ही यहाँ मतदान हो रहा था, सुबह काफी लंबी भीड़ भी थी, क्योंकि हम दोपहर में पहुंचे हैं तो दोपहर के समय आप जानते ही हैं मतदान धीमा हो जाता है, तेज धूप है, मतदाताओं की संख्या कम है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए और धीरे धीरे जा रहे हैं। हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, ये देखिए आरपीआईसी विद्यालय है और सजावट देखिए, अंदर भारतीय जो राष्ट्रीय ध्वज है, शान है हमारी, वो तिरंगा फहर रहा है। बूथों के जो लाइनें बनी हुई हैं वहां पे तिरंगा फहर रहा है। यहाँ सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, हम कहेंगे वो सेल्फी पॉइंट भी दिखावें। यह है वो सेल्फी पॉइंट जहाँ मतदाता अपना मतदान करने के बाद चाहे तो सेल्फी लें, और सेल्फी लेके, चूंकि एक जमाना सेल्फी का भी है, लोग चाहते हैं कि हम सेल्फी लें, सेल्फी लेके अपना जो है सोशल मीडिया पे उसको डालें, लोग देखें, जागरूक हों। और ये कैमरामैन से कहेंगे मतदान केंद्रों पे दिखाएं किस तरह राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा वो किस तरह फहर रहा है। और इधर विद्यालय के जो बच्चे हैं उनके द्वारा एक रंगोली बनाई गई है मतदान के जागरूकता के लिए, ये रंगोली बनी हुई है। कैमरामैन आपको रंगोली दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद है यहाँ पे। मतदाता हैं, क्योंकि दोपहर का समय है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं, एक एक करोड़ डाल रहे हैं और वो जा रहे हैं। हम बात करेंगे आरपीआईसी विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे, आरपीआईसी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं नीरज तिवारी जी, इनसे हम बात करेंगे कि इतनी सजावट और मतदाता जागरूकता के लिए आपने जो कार्य किया है कैसे आपके दिमाग में आया? बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये नगर पालिका क्षेत्र में जितने मतदान केंद्र हैं सबसे सुंदर ये आपके विद्यालय में जो मतदान केंद्र बना है ये लग रहा है, काफी सजावट है इसमें। देखिए बच्चों के द्वारा ये सारा सजावट किया गया, भोर में 4-4:30 बजे से कुछ स्टूडेंट्स आके एक एक 7 बजे तक रेडी करना था, 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे रंगोली बनाने में लगा और सारा सजावट बच्चों के द्वारा किया गया है, जो उनके अथक परिश्रम का देन है। मतलब उनका ये मतलब है कि बाहर से और लोग आते हैं वोटिंग करने, लोग आते हैं स्कूल में यहाँ आ जाएं तो देखें तो इससे अधिक से अधिक लोग वोट देने हैं। दूसरी बात, कुछ लोग आ रहे हैं देख के जा रहे हैं, जब ये देख के जा रहे हैं और लोग को बता रहे हैं वहाँ ऐसा ऐसा है, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का वो है कि वो लोग देख के और अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं कि सेल्फी पॉइंट है यहाँ पर, रंगोली बहुत अच्छा है, देख के देखने आ रहे हैं लोग वोट देने भी, इससे वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि बच्चों ने यहाँ अथक प्रयास किया जिसके कारण वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ का बढ़ेगा। रंगोली बनाकर, सेल्फी पॉइंट बनाकर तमाम इन्होंने प्रयास किया कि वोटों का प्रतिशत बढ़े, लेकिन एक समस्या और सामने आई हुई है। हम कई बूथों पर दौड़ा भी किए हैं तो पता चला है कि कहीं ना कहीं बीएलओ कुछ गलतियां ऐसी कर दी हैं कि लोगों को दौड़ना पड़ रहा है बूथों पे, कभी इस बूथ पे जा रहे हैं वोट डालने के लिए, कभी उस बूथ पे जा रहे हैं। एक एक घरों में पता चल रहा है कि अगर 3-4 परिवार के लोग हैं तो 4 बूथों पर उनका नाम है, किसी किसी का नाम ही गायब है। ये भी समस्याएं आ रही हैं इस चुनाव में। आपके विद्यालय में आज जो मतदान हो रहा है काफी सजावट है, क्योंकि नगर पालिका में तमाम बूथों पर हम पहुंचे हैं वहां इसी सजावट देखने को नहीं मिली है, लेकिन यहाँ जो सजावट है वास्तव में मतदाताओं को लुभाने के लिए को मतदान ज्यादा से ज्यादा करें। बिल्कुल, यही हमारा प्रयास भी है। लोकतंत्र का एक त्यौहार है ये, जिसमें सभी की सहभागिता महत्व रखती है और विद्यालय परिवार की तरफ से एक प्रयास है कि जिससे हम अधिक से अधिक लोगों को आकर्षित कर सकें, मतदान अधिक हो, क्योंकि चुनाव जो जनता करती है वो बहुत महत्व रखता है। वो अच्छा बुरा जो भी कैंडिडेट है इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी तरफ से जो हमने प्रयास कर सकते थे वो हमने किया है और आगे भी इस तरीके के आयोजनों में हम प्रशासन का साथ देते रहेंगे। हमारा यही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आए, मतदान करें, सही व्यक्ति का चुनाव करें। और जो भी, जैसा आप देख सकते हैं, आज के समय में धूप होने के बावजूद भी मतदाता अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं, मौसम का प्रभाव इतना नहीं पड़ रहा है, पब्लिक आ रही है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसमें हमें बढ़ चढ़ करके मतदान करना चाहिए। धन्यवाद।
आज जो मतदान हो रहा है सिसवा नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष और 25 वार्डों के सभासदों का भाग्य बंद हो रहा है। 15 मार्च को इसकी मतगणना होगी, फिर देखा जाएगा कौन बन रहा है अध्यक्ष और कौन बन रहा है सभासद। आप देखते रहिए यूपी अब तक। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिए और शेयर करिए।